हाय गाइस, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि यूजर अकाउंट हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले पहला सवाल उठता है कि यूजर अकाउंट होता क्या है। तो देखिए, यूजर अकाउंट एक आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फीचर है। इसके द्वारा आपके अपने कंप्यूटर को बहुत लोगों में शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में आपका अपना फैमिली मेंबर्स भी यूज़ करते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर में सेटिंग्स चेंज करते हैं तो आप अपने पर्सनल डाटा या कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट को यूजर अकाउंट में एकदम प्रोटेक्शन सेव करके रख सकते हैं। तो समझ में आ गया बात आपको। सिंपली बुझे कि यूजर अकाउंट एक आपको बॉक्स है या फिर फोल्डर है जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब यूजर अकाउंट बनाना और पासवर्ड सेटिंग करना। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है आपका स्टार्ट बटन। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जो आइकन्स है, ये आपको जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यूजर अकाउंट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट आपको मेथड है, कंट्रोल पैनल ओपन करके आप यूजर अकाउंट बना सकते हैं। स्टार्ट में जा करके जब भी कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो कंट्रोल पैनल में बहुत सारा आपको ये जो आपको डिवाइस का आइकन सब है, मेंटेन करने का आइकन सब है, यहाँ पे यूजर अकाउंट में क्लिक करना होता है। जब भी यूजर अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा क्लियर दिया गया है, चेंज योर पासवर्ड, रिमूव योर पासवर्ड, चेंज योर पिक्चर, चेंज योर अकाउंट नेम, बहुत सारे ऑप्शंस तब दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको एक यूजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मैनेज अनदर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैनेज योर अकाउंट में क्लिक करेंगे। जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना सारा आपको जो यूजर अकाउंट बना हुआ है सभी का लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। इसे कहा जाता है यूजर अकाउंट, जो अपना अपना यूजर अकाउंट पर्सनल बना करके उसमें आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट का नाम डिमांड कर रहा है, यहाँ पे अकाउंट का नेम देना होगा। मान लीजिए हम स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे स्टूडेंट यूजर अकाउंट नेम दे दिए। अब नीचे है आपको स्टैंडर्ड यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, यूजर अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड यूजर, दूसरा होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो आप कोई भी यूजर अकाउंट बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर अकाउंट बनाते हैं, डिफॉल्ट होता है आपको स्टैंडर्ड। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी क्रिएट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो बिल्कुल आप देख रहे हैं स्टूडेंट नाम का यूजर अकाउंट एक थप हो चुका है, ठीक है। अब इसको मेंटेन कैसे करेंगे, तो मैनेजिंग करने के लिए इसमें सबसे पहले हमें पासवर्ड सेट करना होगा। तो देखिए, पासवर्ड सेट करेंगे तो बिल्कुल हमारा डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, जब तक किसी को हम पासवर्ड अपना लीकेज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तब तक ओपन हमारे यूजर अकाउंट को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट जो है, यहाँ पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सब दिया गया है और सभी ऑप्शन का अपना अपना काम है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्रिएट अ पासवर्ड है, पासवर्ड में क्लिक करेंगे। जब भी पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आप मान लीजिए कि पासवर्ड स्टूडेंट को हम कुछ दे देंगे, इसे आपको एकदम सिक्योर रखना है, ठीक है। फिर भी हम STUDENT स्टूडेंट जो पासवर्ड आप फर्स्ट में लिखे हुए हैं वही पासवर्ड आपको सेकेंड बॉक्स में भी देना होगा। यहाँ पे हिंट में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपको ऑप्शनल स्टेटमेंट है। मान लीजिए एस देंगे ताकि अगर हम भूल जाएंगे तो आपको स्टूडेंट से एस से इंडिकेट होगा स्टूडेंट, या फिर कंटेंट पूरे लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी क्रिएट अ पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड क्रिएट के वजह हो जाएगा, द पासवर्ड यू टाइप डू नॉट मैच, इसका मतलब पासवर्ड जो हम टाइप किए हैं आपको क्या हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ। मान लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, हम CMC देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, CMC देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंट में CMC टाइप कर दीजिए, ठीक है, नहीं भी टाइप कर सकते, ठीक है। तो अब हम जब भी क्रिएट एक पासवर्ड करेंगे तो क्या होगा, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी आप इसे ओपन करेंगे स्टूडेंट को तो क्या होगा, आपको जब तक पासवर्ड नहीं इसमें डालेंगे तब तक आपको ये स्टूडेंट यूजर अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे का कुछ ऑप्शन भी सीख लें, अच्छा ही होगा। यहाँ पे चेंज द अकाउंट नेम, जब भी इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या है, आपको अगर कुछ नेम यहाँ पे देंगे स्टूडेंट, मान लीजिए कि STUDENT स्टूडेंट वन कर देंगे, ठीक है, स्टूडेंट वन में करेंगे तो चेंज नेम, देखिए आपको स्टूडेंट वन हो गया, ठीक है।
यहाँ से चेंज द पासवर्ड, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज द पिक्चर, पिक्चर को जब भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर विंडो ओपन होगा और यहाँ से आप जो भी पिक्चर ले सकते हैं, मान लीजिए कि ये पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है, चेंज पिक्चर आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे आपको मान लीजिए कि चेंज द अकाउंट टाइप, टाइप जो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि यूजर अकाउंट बनाने में आपको दो तरह के यूजर अकाउंट होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट, दूसरा होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड जो यूजर अकाउंट होते हैं ये आपको डिफॉल्ट होते हैं, अगर आप इसमें चूज नहीं करेंगे तो, अगर चेंज अकाउंट टाइप करेंगे तो क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड यूजर होगा। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो ये जो क्लिक है यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए बैक करते हैं, अब हम देखते हैं कि डिलीट, अगर ये अकाउंट आपको डिलीट करना है, अभी तो आपका बन चुका है, मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट फाइल्स करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिलीट अकाउंट करेंगे। तो स्टूडेंट वन नाम का जो अकाउंट था बिल्कुल यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था विंडोज़ का, जो आपको आपने सीखा कि यूजर अकाउंट बनाना, और साथ ही आपने सीखा पासवर्ड सेट करना और बहुत सारे टूल्स यूजर अकाउंट को सीखे हैं। इसके साथ साथ मैं आज का इस ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।